ये रमजान फाउंडेशन के नाम से हमने और प्लान लगाया है, जो कि हमारे दादा और नाना के नाम पर हमने ही प्लान लगाया है, गरीब लोगों के लिए, अहले इलाके के लिए, शहर के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये टाउनलिया शहर का सबसे जदीद प्लाट है, जिसमें दो यूएसए की जो है मेमोरियल लगी हुई हैं, और इसको हर 3 दिन के बाद फिल्टर चेंज होते हैं, हर हफ्ते के बाद इसके बड़े फिल्टर चेंज होते हैं। हम इसका अल्हम्दुलिल्लाह मेयार, इसकी ग्रेविटी, इंटरनेशनल जो मल्टीनेशनल कंपनी को उनके साथ रखने की पूरी कोशिश करते हैं, जो कि पानी में जिसको हम TDS PPM कहते हैं, जो सेहत, इंसानी सेहत के लिए जो बेस्ट है, वो 200 से 250 TDS होते हैं। हम इसको 200 से 250 के दरमियान इसके TDS से रखते हैं, जो कि आपने अभी देखा भी होगा। तो ये हमने एसाले स्वाद के लिए लगाया है, इसमें कोई सरकारी हमें एड शामिल नहीं है, कोई हमने ना किसी से हमने इसका चंदा किया है। ये बस एक अल्लाह ताला उनसे राजी हो जाए, इंसानियत का भला हो और लोग मुतलक बीमारियों से महफूज रहे। जैसा कि आपको पता है, इस वक्त पाकिस्तान में हेपाटाइटिस जो है एक बहुत बड़ा मर्ज है, जो कि खराब पानी पीने की वजह से मुल्क में फैल रहा है, और हड्डियों की जो है जोड़ों का दर्द, वो भी खराब पानी पीने से, गुर्दों का खराब होने का अंदेशा भी खराब पानी के पीने से होता है। ये हमारी एक छोटी सी काविश है। मेरे अहले शहर, अहले मुल्क को मेरा पैगाम है कि आपको अपने अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं, तो अपनी जेब से, अपने अहले मोहल्ला से, अपने दोस्तों से, अपने ऑर्गेनाइजर से मिलकर आप ऐसे हर इलाके में प्लाट लगाएं, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ी हो सकें। इसके अलहमदिल्ला 2 घंटे हम सुबह खोलते हैं, 2 घंटे ये हम शाम को खोलते हैं, तो तकरीबन 15 से 20 हज़ार लीटर पानी जो है रोज़ाना जो है ये लोगों को मुफ्त मुहैया किया जाता है। 15 से 20 हज़ार लीटर का मकसद है, तकरीबन कोई अगर हम एक घर में 4 लीटर पानी इस्तेमाल होता है, तो 4 से 5 हज़ार घराने मुस्तफ़ीद होते हैं। तो मेरी अहले आवाम से, सब लोगों से गुजारिश है कि अगर इसकी आप कोई कॉस्ट मुझसे लेना चाहें, ये बहुत कम कॉस्ट पे लगा है। सरकारी तो सुनते हैं कोई 60-70 लाख रुपये का ये प्लांट लगता है, लेकिन हमने कराची से इंजीनियर बुला के उनको मजदूरी पे और बाहर से हमने इसके पार्ट्स मंगवा के बहुत कम पैसों में ये लगाया है।